सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ पिजन केटल विच आई ऑर्डर फ्रॉम द अमेजोन एंड विच इज़ डिलीवर टू मी टूडे। इट इज़ शिप्ड फ्रॉम द महाराष्ट्र। लेट मी जस्ट ट्राई टू ओपन इट एंड लेट सी व्हाट वी गेट। ये पिजन की केटल है जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी। एक्चुअली काफ़ी जल्दी ये डिलीवर हो गई है। मुझे इसका डिलीवरी एस्टिमेटेड टाइम दिया गया था टिल संडे, बट आज थर्सडे है तो आज ही मुझे डिलीवर हो गया। क्वाइट फास्ट डिलीवरी फ्रॉम द अमेजोन डिलीवरी सर्विस। एंड इसके ऊपर एक और बॉक्स लगा था जो कि ऑब्वियसली मैंने ओपन कर दिया। ये है कंपनी बॉक्स। हियर यू कैन सी इट, इट इज़ लाइक 1.5 लीटर पावर कंजप्शन एंड 1 ईयर वारंटी। यू कैन सी इट 1 मीटर कॉर्ड, बिकॉज इट इज 1 मीटर इसकी कॉर्ड लेंथ है, बिकॉज ये आती है कॉर्ड के साथ। आई मीन इसका कॉर्ड स्टैंडर्ड अलग है एंड केटल अलग है। ये रहा इस कंपनी का व्हाट्सएप नंबर पिजन का, आप यहाँ पे MRP देख सकते हैं एंड इसकी कंजप्शन भी, पावर कंजप्शन भी देख सकते हैं। 1195 मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी है 650 एंड अमेजोन पे आज ही इसका प्राइस अपडेट हुआ है 700। हाइजीनिक स्टेनलेस स्टील बॉडी, इजी टू ऑपरेट विद इंडिकेटर लाइट, एलिगेंट डिज़ाइन, कॉर्ड वाइंडिंग। सो लेट्स ओपन इट। एंड अगर आप हिमाचल आना चाहें तो आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी मैं अपनी मेंशन कर दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हियर इज द केटल, इट कम्स विद इट एंड व्हाट एल्स वी गेट इन द बॉक्स। ये रहा इसका कोड, कोड इज, दिस इज प्रीटी हैवी, 1 मीटर कोड लेंथ है। वी डोंट नीड दिस बॉक्स। I get some message. Here you can see that product name Pigeon True Care Amaze Plus Electric Kettle 1.5 liter 1500 watt. And यही है इसकी warranty terms and condition, ये आप देख सकते हैं, none of our use. ये है इसका cold, plastic body, plastic quality ना ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, but we can't say it is very bad. Study, it is pretty study stand. Let's take out the kettle from it. Kettle आता है इसमें, ये इसका on off switch. Little bit dirty, जो कि हम समझ सकते हैं. We have, this is its main part which contact with it. यहाँ पे इसका heating element है, I think. ये इसका power supply है, यहाँ से power connect होगा. इसके अंदर बाकी इसकी इंफॉर्मेशन लिखी है। लेट मी सी इफ आई कैन सी दैट, वेयर डज इट मेड। काफी इट इज मेड इन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, अगर आप देख पाए तो। ये रहा, इट इज़ मेड इन चाइना प्रोडक्ट, सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। यहाँ पे ये है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। प्रीटी डीप एक्चुअली, यहाँ पे ये होल्स हैं। सो लेट जस्ट पुट सम वाटर इन साइड इट एंड लेट्स चेक डज इट वर्क और नॉट। सो एज यू कैन सी दैट, ये है मेरे स्पीकर, सैनिटाइजर बॉक्स, मैं अपने टूथब्रश अपने रूम में रखता हूँ। ये रहा पावर सॉकेट जहाँ पे मैंने ये वायर कनेक्ट कर दी है, तो सो लेट्स कनेक्ट इट आउट, लेट्स टर्न इट ऑन एंड यस, इट्स पावर LED इज ग्लोइंग। सी लेट्स सी नाउ डज द वाटर गेट्स हॉट और नॉट। Yes, water is start boiling. It is not
that much study, as we can know that इसका बेस चुकी है वो काफी ज्यादा स्टडी नहीं है. हैंडल भी इसका ठीक है, बट आफ्टर ऑल इट्स मेड इन चाइना प्रोडक्ट, सो आप देख सकते हैं हैंडल की क्वालिटी नहीं अच्छी, ज्यादा अच्छी नहीं है. ओपन इट, यू कैन सी दैट वाटर इज बॉइलिंग, आई कैन फील द स्टीम हीट एंड यू कैन सी द लिटिल बबल्स. सो दिस इज द लाइक, let me turn it off so that I can talk to you. You can see that water is boiling inside. Let me put my router plug in the socket and my phones. So this is the quick unboxing and a review of this kettle. Hope you like it. आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आफ्टर वन मंथ मैं इसका रिव्यू दूंगा कि यह कैसा प्रोडक्ट है. एंड कल आपको मेरे स्पेक्स का 3 मंथ रिव्यू भी मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.